चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक साल भैया पहले का गर्भवती रहें गर्भवती रहें तो वही मैंने तो भैया दिक्कत बढ़ी गए तो वही मैंने भैया जब अस्पताल यहाँ है नहीं तो लई उन्ना वह जी हो रात के 2 बजे तो 2 बिटिया भई रहें। एक बिटिया माँ यहाँ नहीं हुई गए रहे तो भैया हमका होश नहीं रहा भाई ज़्यादा माँ हालत ख़राब हुई गए। तब दयाल खेने में रहती हैं सब हो उनका फ़ोन किने तो वी आई तो देखें तो भी फ़ोन करें तब एम्बुलेंस आई तब भी पंडार के लेके गई तब हम पर देखे जवाब दे दिन है तो जब आस पास नहीं है अस्पताल तो मजबूरी है तो ले तो जीबे करी हैं और बच्चे हमारे दोनों ख़त्म ही गए हम तो देखे नहीं जब हमने होश से नहीं है तो हम देखी का याग नहीं दे दीदी तीन तीन दे दिक्कत ही रही एको बार ही अस्पताल में देखभाल नहीं है जब यहाँ चलू ही नहीं है तो देखभाल कहाँ से हुई। अब भैया इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं तो हम पढ़ाई बैठ चले जाइए एक जना कमाए वाला यह होने कि हमारे पास खेती बाड़ी हुए वह मंजूरी सहारे मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। राज्य की महिला चिकित्सालय अगर ये सही होता और अच्छा होता सारी सुविधाएं इसमें होती तो मुझे 10 किलोमीटर वहाँ दूर नहीं जाना पड़ता उन्नाव और मुझे इतनी तकलीफ़ भी नहीं होती और इतना पैसा भी नहीं खर्चा करना पड़ता। एम्बुलेंस को भी फ़ोन करो तो बोलते हैं इतना नहीं इतना टाइम लगेगा बाकी नहीं आई तो टैक्सी से जाना पड़ता है और टैक्सी में जो के वगैरह लगते हैं जो दर्द पेट में होता है काफ़ी सा तो धक्का मुक्की होती काफ़ी दूर जाओ उसमें देर में पता नहीं कितना दर्द हो जाए कितना ना हो पाए क्या हालत हो जाए पता ही नहीं है सारी तकलीफ़ें सहनी पड़ती बाकी वहाँ पे जाके धूप में खड़े होकर लाइन लगाना पड़ता है लाइन लगा के पर्चा बनवाइए पर्चा बनवा के आगे काम होता है अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई तो फिर आगे काम डॉक्टर बोलते हैं नेक्स्ट डे आइए नेक्स्ट डे आइए। अरे हमको यहाँ हो गया 25-26 साल। तो जब से आप आए तब से इस अस्पताल की हालत ऐसी थी कि आज ऐसी होगी? नहीं भैया पहले से थी लाइट थी लेकिन मेरे सामने ही कटी बिल जमा नहीं इसलिए काट दिया। वो दीवारें बंजर हो गई अब ये पूरी बिल्डिंग टपकती हैं इस वजह से सभी बेकार हो गए।
हम वहाँ अपने हाथ पैर और पीठी में दर्द था, उसके लिए दवा लेने गए थे, तो वहाँ पर कोई डॉक्टर था नहीं। वो जो बैठते हैं कंपाउंडर वाले भैया, उन्होंने ही दवा दी थी, बोल रहे थे कि ये दवा खाओ, दो दिन के बाद फिर ले जाना आके। तो जब हमने एक दिन दवा खाई, इतनी हार्ड थी कि मतलब माए गले में और हाथ पैर में दाने दाने जैसे निकल आए, खुजली भी बहुत कर रहे थे। जैसे ये है और ये है, पूरे में फैल जाते हैं। तो हम उसको दिखाने गए तो बोल रहे थे इसकी दवा अब तो यहाँ मिलेगी नहीं, अब शुक्लागंज जाओ, उन्नाव जाओ। इस वजह से हम अब बहुत कम जाते हैं कि दुगना पैसा उसे लगाएं तो फ़ायदा क्या है। एक के लिए जाओ, दूसरी मर्ज तैयार हो जाती है। किसी भी मर्ज की दवा है, बस वही टिकिया टिकिया, बाकी और कोई दवा नहीं। बच्चों के लिए सिरप भी लेने जाओ तो बोलते हैं कि सिरप नहीं आई है अभी, वहाँ से बाद में आएगी। सरकारी में थोड़ा सस्ते में दवा हो जाती है, प्राइवेट में तो जितने बोलते हैं उतने देने पड़ते हैं। मतलब जो खर्चा है, अगर सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाता तो हम लोग को इतना खर्चा बच जाता। बहुत से इतने कागज हैं, ये सब प्राइवेट के ही हैं। अभी हमने अपने बच्चे का इलाज करवाया है तो उसके अस्थमा की थोड़ी प्रॉब्लम है, और इसमें सरकारी में तो दिखाया तो बोले कि यहाँ नहीं होगा, प्राइवेट में दिखाओ। प्राइवेट में दिखाया था तो बोले कि दिल की जांच करवाओ। दिल की जांच जब करवा ली तो बोले पूरे बॉडी की जांच करवाओ। उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा था, तो पूरे शरीर की जब जांच करवाई तो बोले तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं, अगर दवा लेने आई हो बच्चों को तो पैसे ज़्यादा लेके आना चाहिए था। 1000 थे हमारे पास, अब उन्होंने वहाँ दवा नहीं दी, डांट के भगा दिया, कहने लगे जब पैसे हों तब लेके आना बच्चे को। जब हम यहाँ आए तो पता चला कि हमारे आने के पहले 4 बार चोरियाँ हो चुकी हैं। क्या क्या चीज़ चोरी हुई? चोरियों की तो एक लिस्ट है, बेड हैं, डीप फ्रीजर रखे थे, बहुत सामान ले गए। कहाँ पे शौचालय? शौचालय यही है। मैं सर छत पर से नीचे से ऊपर तक सांप तो रेंगते रहते हैं यहाँ। और अभी आपका परसों आ गए होते तो आप खुद ही देखते गेट पे बिछखापर इतनी बड़ी, बहुत बड़े जानवर तो कीड़े मकोड़े थे यहाँ बहुत सारे, तो वही हैं। अब भैया यह है गुजारे कि मैंने जिसे हमारी बीती गई है हम तो खो बैठे, अब लड़का बच्चन की तो भविष्य बन जाए चाहिए, हम तो खो चुके। अब लड़का बच्चन की लड़का हैं बिटिया हैं तो उनकी तो भविष्य आगे देखभाल अच्छे से होए, भला बन जाए चालू हो जाए तो अच्छे तेने देखभाल तो हो जाए, यही चीज़ है।